दिल्ली की जनता के लिए लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में आश्रम फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया गया है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक प्रवीण कुमार देशमुख हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, इस आश्रम फ्लाईओवर के रोड पर चलने का हर कोई इंतजार कर रहा था, क्या कुछ सौगात दिल्ली की जनता को मिल रही है और किन किन रास्तों से लोगों को जाम से मुक्ति मिल पाए? नहीं, इतना शानदार काम जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा यहाँ पे किया गया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, और यहाँ पे आश्रम चौक से अब पूरी तरीके से जाम मुक्त हो गया है और कुछ देर में यहाँ पे गाड़ियाँ चलने लगेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ से जो लाजपत नगर से जो लोग आएंगे उनको आश्रम पे ट्रैफिक जाम में फंसना नहीं पड़ेगा, सीधी तरीके से वो डीएनडी पहुंच जाएंगे, सीधी तरीके से वो सरायकालेखा की तरफ पहुंच जाएंगे। एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है कि जो एक एक घंटे जो है ट्रैफिक जाम में फंसते थे वो सारे लोग जो है फ्री फ्लो ट्रैफिक के थ्रू जो है अपने डेस्टिनेशन तक, अपने घरों तक, अपने ऑफिस तक विद इन द टाइम पहुंच जाएंगे। सबके लिए बहुत बहुत बधाई। प्रवीण जी, क्या सिर्फ महारानी बाग साउथ दिल्ली या नोएडा गाजियाबाद के लिए भी स्वागत है? बिल्कुल, पूरी तरीके से एनसीआर में रहने वाले, चाहे गाजियाबाद में रहते हो, चाहे नोएडा में रहते हो, चाहे वो दूसरे कोई भी एनसीआर में रीजन में रहते हो और जिनको आश्रम चौक के थ्रू गुजरना पड़ता है या दिल्ली के और भी कनेक्टेड लोकेशन से जहाँ से गुजरना पड़ता है जिसके कारण आश्रम चौक से जाम जो है दूसरी जगह को भी इफेक्ट करता है, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। आज जो उन सभी लोगों को जाम फ्री ट्रैफिक जो है यहाँ पे मिल रहा है। कई लोग जो है, कई एम्बुलेंसेज जो है फंस जाती थी सड़क के ट्रैफिक जाम में, कई लोगों की जान भी बचेगी, ये बहुत बड़ी बात है। कितनी लागत लगी है, कितना समय लगा है इस फ्लाईओवर को बनने में, इसके बारे में अगर जानकारी मिले तो? ये 120 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के संपन्न होने के बाद जो है वो विद इन द टाइम लिमिट जो है, दो दो बार कोविड वेव आने के बाद कई बार जो है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम रुका, पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग काम रुका, लेकिन उसके बाद भी विद इन द टाइम लिमिट जो है ये काम संपन्न हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स, यहाँ के जो मजदूर जो काम करते हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद, वो सारे धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने विद इन द टाइम लिमिट जो है इस काम को संपन्न कराया। अंतिम सवाल, दिल्ली की जनता, नोएडा गाजियाबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे इस फ्लाईओवर के चलने? नहीं, देखिए आपके क्षेत्र में योगी सरकार है और योगी सरकार का काम देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल सरकार का काम देख लीजिए। अब यहाँ से लोग जाएंगे, अब जो है वो नोएडा और गाजियाबाद में जाके वहाँ पे फ्लाईओवर की डिमांड करेंगे, वहाँ फ्लाईओवर की जरूरत है क्योंकि यहाँ से तो अब फ्री फ्लो चले जाएंगे, लेकिन आगे जाके क्या हाल होता है वो उन्हें सबको पता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात की आम आदमी पार्टी से विधायक प्रवीण कुमार देशमुख से। इनका साफ तौर पर कहना है नोएडा, गाजियाबाद, महारानी बाग, साउथ दिल्ली, कई ऐसी जगहों को ये फ्लाईओवर जोड़ेगा डीएनडी तक को, जिससे जाम से लोगों को राहत मिलेगी, चाहे वो एम्बुलेंस है जिनको उचित समय पर इलाज मिल सके और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में भी इससे राहत मिलेगी। और 120 करोड़ से ज्यादा से की लागत से फ्लाईओवर बना है, हालांकि समय तो जरूर लगा है क्योंकि दो दो बार कोरोना की वेव भी आई, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली और नोएडा गाजीपुर की, गाजियाबाद की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी।